मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और वो क्वेश्चन कर हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को फिनिश कर रहे हैं। फिर हम लोग वैल्यूएशन ऑफ शेयर को स्टार्ट करेंगे, लेकिन कल से मतलब नेक्स्ट जो चैप्टर आप लोगों का रहेगा ना, वो आपको यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं होगा। वो आपको L2C NPA कर एक प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन मिलेगा। L2C NPA एक एप्लीकेशन होगा, उस एप्लीकेशन पर आप लोगों की क्लासेस रिकॉर्डेड आपको वहाँ अवेलेबल होगी, मिलेगा सेम वे में जैसे कि आप लोगों को यूट्यूब पर मिल रहा था ना, ऐसे ही आपको क्लास मिलेगा। आप कभी भी देख सकते हैं, कितनी भी बार देख सकते हैं। इसका मैं इस वीडियो के ही नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक सेंड कर दूंगा, उस लिंक पर क्लिक कर आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। उसके बाद वो OTP मांगेगा। OTP अभी आपका नहीं आएगा, आप अपना नेम, क्लास और कॉन्टेक्ट नंबर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे 9649200888 पर, और ये नंबर आप जो मुझे नंबर भेजेंगे ना, ये नंबर मैं यहाँ आपका रजिस्टर्ड करूँगा। रजिस्टर्ड होने के बाद आपको एक OTP जनरेट होगा, और वो OTP आपको डालना है तो आपका एप्लीकेशन खुल जाएगा। तो कल से आपको क्लासेस यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, एप्लीकेशन पर मिलेगी। एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, फिर मुझे नेम, क्लास, कॉन्टैक्ट नंबर आपके इस नंबर पर व्हाट्सएप करने हैं। जैसे ही मैं इनको रजिस्टर्ड कर दूंगा आपके नंबर को, आपका एक OTP जनरेट होगा आपके एप्लीकेशन पर, वो OTP आपको डालना है और आप एप्लीकेशन को खोल पाएंगे। उसके बाद जैसा आप यूट्यूब पर क्लासेस देख रहे हैं, उसी वे में सारी क्लासेस आप लोगों को वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 18 हम फिनिश कर देते हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से कंटेंट को समझना है। बैलेंस शीट दे रखी है, 75,000 इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, रेवेन्यू रिजर्व है। लास्ट ईयर बैलेंस था P&L में 12,000 का, प्रॉफिट है बेटा इस साल का आफ्टर प्रपोज प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 393,750 का। डिबेंचर है, सिक्योर्ड लोन है, क्रेडिटर है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, अदर प्रोविजन है प्रपोज प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड के नाम से। इधर बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, मोटर व्हीकल है एट कॉस्ट, परचेज ऑन, ये करेक्शन करना, परचेज ऑन 31 मार्च 2016 करना है इसको। बैलेंस शीट 16 की है ना, ये 16 करना, 31 मार्च 2016, मतलब जिस दिन बैलेंस शीट बनी ना उसी दिन खरीदी। इंटेंजिबल असेट्स में बेटा गुडविल है, इन्वेस्टमेंट है टू प्रोवाइड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी के रिप्लेसमेंट के बदले में, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और अंडरराइटिंग कमीशन है बेटा, ये फिक्टीसियस असेट्स कहलाती हैं। फिर इधर स्टॉक है, बुक डेब्ट है, कैश एंड बैंक बैलेंस है, नीचे के रखा है भवन का बाजार मूल्य 4.5 लाख, प्लांट और मशीनरी का 9 लाख है। तो देखो, एक तो रिवॉल्यूशन दे रखे हैं बहुत सारी चीजों के ना, इसलिए मैं यहाँ थोड़ा लिख देता हूँ। बिल्डिंग, बिल्डिंग का न्यू वैल्यू 4,50,000 है, प्लांट एंड मशीनरी का 9 लाख है, इन्वेस्टमेंट का बाजार मूल्य 5,62,500 है, फिर आगे क्या रखा है कि बुक डेब्ट 10% की सीमा तक डूबत ऋण है। करंट असेट्स के लिए हो गया बेटा, इसको मैं अलग लिख देखता हूँ। बुक डेब्ट्स 10%, बैड डेब्ट्स है, डूबत ऋण है। फिर क्या रखा है, स्टॉक का बाजार मूल्य 483,750 है, ये भी करंट असेट्स है। इसी प्रकार की अन्य कंपनी में फेस वैल्यू, सेम फेस वैल्यू के इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस 250 है और उस पर एवरेज डिविडेंड रेट 25 है। तो बेटा ये NRR निकालने में काम आएगी, एवरेज डिविडेंड रेट अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100 कर। मोटर व्हीकल पर 20%, बिल्डिंग पर 5% और बेटा मशीनरी पर 15% डेप्रिसिएशन लेना है। टैक्स की रेट 21.4286% के हिसाब से, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के आधार पर नॉर्मल प्रॉफिट का परिकलन करना है, और गुडविल की गणना बेटा 3 वर्षों के वार्षिकी के आधार पर आप लोगों को करनी है। ये आपका क्वेश्चन है। पहली चीज देखो, एक तो बिल्डिंग 4.5, बिल्डिंग फिक्स असेट्स है ना, बिल्डिंग पहले देखो कितने की थी, 1.5 लाख की थी बेटा, और 4.5 लाख हो गई।
ओल्ड वैल्यू 1.5 लाख थी, तो बेटा इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन वैल्यू हुई ना। तीन लाख से बेटा वैल्यू हमारे लिए बढ़ गई, और वैल्यू बढ़ गई तो एडिशनल डेप्रिशन निकलेगा, तो यहीं पर निकाल लेते ना 3 लाख की एक्स्ट्रा वैल्यू पर एडिशनल डेप्रिशन। नीचे देखो बिल्डिंग पर डेप्रिशन की रेट गिवन है आपको, बिल्डिंग पर 5% से डेप्रिशन लेना है, तो 3 लाख का 5% 15,000, ये हमारा एडिशनल डेप्रिशन हो जाएगा। फिर हम लोग बात करें प्लांट, प्लांट देखो पहले कितना था, 11,25,000 का 9 लाख ही हो गया, तो ये डिक्रीज इन वैल्यू हो गई बेटा, वैल्यू कम हो गई ना 2,25,000 से, तो इस पर सेविंग इन डेप्रिशन निकाल देंगे। ये वर्किंग नोट बनाना बेटा प्रॉपर, ये सेविंग इन डेप्रिशन हम लोग निकाल देंगे, और सेविंग इन डेप्रिशन बेटा हमारे लिए 15%, नीचे देखो मशीनरी पर डेप्रिशन की रेट है 15%, तो 2,25,000 का 15% 33,750। एक इन्वेस्टमेंट, ये बेटा ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट तो होते ही होते हैं, पर ये प्लांट एंड मशीनरी के रिप्लेसमेंट के बदले में, इसलिए नॉन ट्रेड नहीं कहलाएंगे, ट्रेड कहलाएंगे, तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो आएगा। अच्छा इन्वेस्टमेंट पहले थे 6 लाख की, इनकी वैल्यू हमारे लिए कम हुई है बेटा, मगर ना इनकी वैल्यू कम हुई है हमारे लिए, डिक्रीज इन वैल्यू हुआ टेक्निकली, 6 लाख से 62,500 ही रही है 37,500 से, पर इन्वेस्टमेंट पर कभी कोई डेप्रिशन काउंट नहीं होता है, कभी कोई डेप्रिशन काउंट नहीं होता है बेटा, इसलिए कोई डेप्रिशन नहीं निकालेंगे। एक ना मोटर व्हीकल ध्यान देना, मोटर व्हीकल बेटा आज ही खरीदा है, जिस दिन बैलेंस शीट बनी ना आज ही खरीदा, तो इसलिए अपने आज तो कोई डेप्रिशन नहीं लगाया, लेकिन जब हम लोग FMP निकालेंगे ना तो फ्यूचर का प्रॉफिट बनाते हैं, तो मशीनरी पर अब फ्यूचर में तो डेप्रिशन लगेगा ना बेटा, अभी तक तो नहीं लगाया क्योंकि आज ही खरीदा था हम लोगों ने, लेकिन अब जब आप फ्यूचर का प्रॉफिट निकालोगे तो उस पर बेटा आप लोगों के लिए डेप्रिशन काउंट होगा। तो एक चीज और निकाल लो, डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी, इसका कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं हुआ, सॉरी मोटर व्हीकल हमने आज ही खरीदा बेटा 15,000 का, जिस दिन अपन बैलेंस शीट को बंद कर रहे थे, आज ही खरीदा, इस वजह से बेटा अभी तक तो हम लोगों ने कोई डेप्रिशन नहीं लगाया, लेकिन अब बेटा फ्यूचर में तो डेप्रिशन लगेगा 20% से, तो 3,000 का ये हमारे लिए डेप्रिशन ऑन मोटर व्हीकल और आएगा। तो तीन तरह के डेप्रिशन है, एक तो बिल्डिंग पर बेटा एडिशनल डेप्रिशन, ये पूरा वर्किंग नोट यू कहीं लिख लेना, बिल्डिंग पर एडिशनल डेप्रिशन 15,000 का हमारा लगेगा, प्लांट पर सेविंग इन डेप्रिशन होगी 33,750 की, और बेटा मोटर व्हीकल पर डेप्रिशन लगेगा हमारे लिए 3,000 का। ये रिवोल्यूशन नहीं हुआ था, मोटर व्हीकल खरीदा आज ही है ना बेटा, तो अब फ्यूचर में हमारे लिए इस पर डेप्रिशन हमारे लिए काउंट होगा। अच्छा ये है करंट एसेट्स के एडजस्टमेंट, इनका इफेक्ट याद हो तो करंट ईयर प्रॉफिट में आता है। बुक डेब्ट्स बोले तो डेटर पर 10% का बैड डेट्स लेना है, तो ये करंट ईयर प्रॉफिट में से लेस कर देंगे, 1.5 लाख का 10% 15,000, और स्टॉक 48,750 ही हो गया, स्टॉक देखो पहले कितना था 4,61,250, तो इंक्रीज इन स्टॉक है बेटा। चार तिरासी सात सौ पचास माइनस चार इकसठ दो सौ पचास, तो ये 22,500 का इंक्रीज इन स्टॉक है, तो ये करेंट ईयर प्रॉफिट में हम लोग ऐड कर देंगे। अब करेंट ईयर प्रॉफिट बना लो प्रॉपर, करेंट ईयर प्रॉफिट या यूं कहते हैं एडजस्टेड करेंट ईयर प्रॉफिट बना दो, ये जो करेंट एसेट स्कोर की अकाउंटिंग एरर है ना बेटा, ये अकाउंटिंग एरर का इफेक्ट अलग से करेंट ईयर प्रॉफिट में डाल दो। करेंट ईयर प्रॉफिट ऊपर दे रखा है, ये देखो प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये करेंट ईयर प्रॉफिट हुआ ना, प्रॉफिट फॉर द ईयर जो दे रखा है, ये प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड के बाद का दे रखा है, तो देखो अपन क्या करेंगे, समझना अच्छे से बेटा ये वर्किंग नोट,
टफ क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। करेंट ईयर प्रॉफिट, आफ्टर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 483 कितना था, 393,750। एड कर दोगे, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को वापस से अपने को पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स बना लो, बाद में क्योंकि टैक्स घटा हुआ है। अभी देखो मैं समझा देता हूं, 18,750 का प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है, यहां देखो तो ये वापस से ऐड कर दो ना। जब बेटा इसमें डिविडेंड ऐड करते हैं ना तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहलाता है, क्योंकि डिविडेंड जो दिया जाता है ना टैक्स घटाने के बाद के प्रॉफिट में से दिया जाता है। तो डिविडेंड दे दिया गया था मतलब टैक्स घटा दिया गया था, ये जो वापस से ऐड करा ना बेटा इसको कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अभी टैक्स वापस से ऐड कर लो ना बेटा, रीजन ये है क्योंकि अभी अपने को अकाउंटिंग एरर भी तो सुधारनी है बेटा, तो वो एरर वापस से सुधारी जाएंगी, उसके लिए हम लोग टैक्स वापस से ऐड कर देंगे। टैक्स कितना लगा वो पर ऐसे भी निकाल सकते, देखो समझना, टैक्स की रेट दे रखी 21.4286, मान लो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता 100 रुपए, टैक्स में घटाता 21.4286, टैक्स घटाने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये दो जगह से निकाल सकते हो, दोनों कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बेटा मेरे लिए 100 रुपए का प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता मान लो, सो उसमें से मैं 21.4286 लेस कर देता, ये मेरे लिए 78.5714 आता। तो मैं टैक्स ऐसे निकाल सकता हूँ ना, मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बेटा 4,12,500, ये 78 पॉइंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना बेटा, ये 78.5714 के बराबर है और टैक्स है मेरा 21.4286। सोल्व करोगे बेटा तो ये मेरे लिए 1,12,500 टैक्स आएगा, ये वही आएगा जो अपना प्रोविजन फॉर टैक्स बना हुआ है। आप चाहते तो यहीं से भी पिक कर लो चलेगा, मैं तो कॉन्सेप्ट समझा रहा था इसलिए लिखा है, मैंने ये प्रॉफिट प्रोविजन फॉर टैक्स बेटा हमारे लिए 1,12,500, यही अपना वापस से टैक्स बन रहा है। ये कैसे बनाया बेटा, अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 रुपये होता है तो टैक्स हमारे लिए बेटा 21.4286 होता, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 78.5714 आता, ये 4,12,500 बेटा मेरे लिए 78.5714 के बराबर है, इंटू 21.4286 करा तो 1,12,500 आ गया, ये मेरा आ गया बेटा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स वापस से जोड़ दिया, क्यों जोड़ दिया, क्योंकि अकाउंटिंग एरर का इंपैक्ट हो रहा है, 525,000 हो रहा है बेटा, 4,12,500 प्लस 1,12,500, तो 525,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। अब अकाउंटिंग एरर का इंपैक्ट डालो, करंट असेट्स का जो इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, एक बेटा मेरे लिए डेटर, बैड डेट्स, तो करंट असेट्स कम होगी ना, डेटर कम हो जाएंगे तो नुकसान होगा बेटा मेरे लिए, 15,000 लेस कर दूं, और एक इंक्रीज इन स्टॉक हो रहा है तो ऐड कर देंगे। ये हो गया बेटा 22,500, तो ये 532,500 हमारे लिए एडजस्टेड करेंट ईयर प्रॉफिट। हम करेंट ईयर प्रॉफिट कहीं भी काम में लेंगे तो ये वाला लेंगे, एडजस्टेड करेंट ईयर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स इसमें जुड़ा हुआ है ना अभी अपना, इसलिए ये वाला प्रॉफिट हमारे लिए काम आएगा 532,500 का कहीं भी अगर। ये अपना कंटेंट हुआ, नोट करना वर्किंग नोट। अब अपन गणना ही कर सकते हैं 1 by 1। चलो स्टेप फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ एफएमपी। बेटा याद है एफएमपी के लिए हम लोग पिछले सालों के वो प्रॉफिट लेते हैं, पर पिछले सालों के तो कोई प्रॉफिट ही नहीं है बेटा, सिर्फ एक साल का ही प्रॉफिट है यहाँ पर, और वो है करेंट ईयर का प्रॉफिट, तो फिर वही हमारे लिए यहाँ पर एफएमपी की निकालने में काम आएगा। एक ही साल का प्रॉफिट है तो वही काम आएगा, एडजस्टेड करेंट ईयर प्रॉफिट, भाई यही डिवाइड बाई एक का भाग भी दे दो तो यही एवरेज प्रॉफिट हो गया, तो हमारे लिए काम जो आएगा यही 532,500 काम आएगा। दो खर्चों के इफेक्ट, कोई खर्चों का इफेक्ट क्वेश्चन में नहीं है, दो इनकम का इफेक्ट, कोई इनकम का इफेक्ट क्वेश्चन में नहीं है,
नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, वो नॉन ट्रेड नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी के बदले है ना, इसलिए वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, तो उस पर कोई इंटरेस्ट काउंट नहीं होगा। ओनर रेमुनेशन भी क्वेश्चन में नहीं है। एडिशनल डेप्रिशन और सेविंग डेप्रिशन हमारे लिए आएगा। एडिशनल डेप्रिशन देखो, एक तो प्लांट पर लगाना ना, बिल्डिंग पर एडिशनल डेप्रिशन है तो लेस कर लेंगे, एडिशनल डेप्रिशन ऑन बिल्डिंग, तो बेटा ये 15,000 लेस हो जाएगा। एड एड करोगे बेटा हम लोग सेविंग इन डेप्रिशन ऑन प्लांट, इन्वेस्टमेंट पर कोई डेप्रिशन नहीं लगता है। एक डेप्रिशन ऑन मशीनरी, ये क्यों लगा बेटा? अभी तक तो नहीं लग रहा क्योंकि आज ही खरीदा, पर अपन एफएमपी बना रहे हैं, फ्यूचर का प्रॉफिट, फ्यूचर में तो लगेगा 3,000 का, तो ये लेस कर देंगे। अच्छा, ये एडजस्टेड प्रॉफिट, करेंट ईयर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है बेटा, टैक्स से पहले का ना, ध्यान रखना बस। तो ये एड लेस कर लो, इसमें 532,500 में से 15,000 गए, प्लस 33,750 जोड़े, 532,500 में से 15,000 गए, प्लस 33,750, प्लस माइनस करने 3,000, तो बेटा ये जो एडलेस करा ना, ये आया 548,250, ये कहलाएगा एफएमपी बिफोर टैक्स। क्यों बेटा? क्योंकि जो प्रॉफिट था वही बेटा बिफोर टैक्स ही है अभी हमारे लिए। लेस करेंगे इसमें से टैक्स 21.4286%, यही है ना, चेक कर लो एक बार, 21.4286%। तो सिंसियरिटी से थोड़ा बेटा, जब तक लॉकडाउन है, नहीं खुल रहा है, तब तक कुछ चैप्टर तो कर लें, ताकि अपने को रिवीजन का टाइमिंग मिलेगा, मेन मकसद यही है हमारा, ताकि अपने को आगे रिवीजन का टाइम प्रॉपर मिल जाएगा। 117482.29 है तो मैं 3 लिख रहा हूँ, ये लेस कर दूंगा इसमें से, तो 430767.7, ये मेरा एफएमपी आफ्टर टैक्स आ जाएगा। तुम चाहें तो इसको राउंड ऑफ में लिख लो ना, 7-8 कर लो, इतना डेसिमल नहीं भी ले जाएं तो चलेगा, 8 कर लो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब हम लोग निकालेंगे स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। और बेटा नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे लिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। तो पहले तो बनाएंगे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, और ये निकालने के लिए टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज करते हैं, तो एक्सक्लूडिंग गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस असेट्स को छोड़ देंगे, इनको हम लोग छोड़ देंगे। चलो वन बाय वन, अब आओ नए वैल्यू लेने बेटा, ध्यान रखना, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, बिल्डिंग, बिल्डिंग की नई वैल्यू देखो कितनी थी, 4.5 लाख, प्लांट की 9 लाख, और मोटर व्हीकल तो 15,000 का ही है। वो डेप्रिशन तो क्यों लगाया? क्योंकि आज ही खरीदा था, तो फ्यूचर में अब डेप्रिशन लगेगा ना, इसलिए लगाया। फिर देखते हैं बैलेंस शीट में, गुडविल है बेटा, गुडविल को तो नहीं लेंगे,
इन्वेस्टमेंट, ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट है बेटा प्लांट एंड मशीनरी के लिए, तो ये आएगा 6 लाख का। थोड़ा बार बार करना पड़ेगा ऊपर इन्वेस्टमेंट। अच्छा इन्वेस्टमेंट की भी नई वैल्यू दे रखी थी ना बेटा अपने को, 5,625,500 शायद, तो इन्वेस्टमेंट 5,625,500। फिर देखो अंडरराइटिंग कमीशन दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है बेटा, लेकिन ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहलाएंगे इसलिए इनको नहीं ले, ए सॉरी फिक्टिशियस असेट्स कहलाएंगे इसलिए नहीं लेंगे। फिर स्टॉक, बुक डेब्ट और कैश एंड बैंक बैलेंस। स्टॉक का नया मूल्य दे रखा है, स्टॉक, बुक डेब्ट्स, बुक खोलकर बैठे करें ताकि आप क्वेश्चन भी देखते चले, कैश एंड बैंक बैलेंस। स्टॉक का नया वैल्यू दे रखा है बेटा 483,750। बुक डेब्ट 1,50,000 के हैं मगर 10% बैड डेब्ट्स हैं तो वो लेस कर दूंगा, 1,35 ही बचेंगे। और कैश एंड बैंक बैलेंस तो बैलेंस शीट में है वही लेंगे, 72,000। ये जोड़ लो बेटा, 4,50,000 प्लस 9 लाख, 13,50,000 प्लस 15,000, 5,625,500, 483,750, 1,35,000, 72,000, तो 26,00,000, 18,250। लेस करेंगे आउटसाइडर लाइबिलिटीज, और बेटा आउटसाइडर लाइबिलिटीज में हम एक्सक्लूड करेंगे शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड कॉरपोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ये चीजें हम लोग छोड़ते हैं बेटा। बाकी की लाइबिलिटी देख लो, देखो शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस तो आएंगे ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं। कौन से क्वेश्चन पर आ गए यार। शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस आएंगे ही नहीं, ये तो छोड़ दो। डिबेंचर आएगा, लोन आएगा, क्रेडिटर आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स आएगा, लेकिन प्रपोस्ट बेटा ये जो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का है ना वो नहीं आएगा हमारे लिए। प्रोविजन फॉर टैक्स तो आता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं आता। चार चीजें, डिबेंचर, लोन, क्रेडिटर, प्रोविजन फॉर टैक्स। फाइव परसेंट डिबेंचर, सिक्योर लोन, क्रेडिटर, प्रोविजन फॉर टैक्स। अब अमाउंट देखो, फिर ऊपर चलना पड़ेगा, 3,75,75, एक 12,500, 1,12,500, ये लेस कर देना बेटा, ये आएगा क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। तीन 75,75, 1,12,500, 1,12,500, 19,43,250 बेटा, ये तो आई क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, लेस हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। याद है ये प्रॉफिट में बेटा इन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट जुड़ा होना चाहिए, ओनर रेमुनेशन घटा होना चाहिए, और सारे अकाउंटिंग एरर के बाद का होना चाहिए। ओनर रेमुनेशन है नहीं, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी है नहीं, अकाउंटिंग एरर का सुधार करने के बाद बेटा हमारा जो प्रॉफिट आया था ना करेंट ईयर का, ये 5,32,500 आया था, लेकिन ये बिफोर टैक्स है तो इसको आफ्टर टैक्स बना देंगे। देखो
अपने पास एडजस्टेड का मतलब अकाउंटिंग एरर के बाद का एडजस्टेड करेंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया 5,32,500। इसमें से लेस कर दूं ना मैं टैक्स, अपने को आफ्टर टैक्स ही है यहाँ पर 21.4286% है शायद, 21.4286% है, ये लेस कर दो 5,32,500 इंटू। दो बार देखना इस क्वेश्चन को, एक बार में ऐसा डायरेक्टली नहीं बैठेगा, कोई दो चार पॉइंट ऐसे कंफ्यूज कर सकते हैं, तो प्रॉपरली पहले देखना। 11410 7.29 आ रहा है तो 7 रख देते हैं, तो ये लेस करें 5,32,500 11410 7, ये आ रहा है बेटा 4,18,393। इसका हाफ बेटा, और पूरा नोट कर लें, फिर वापस से देखना है कि सर ने ये क्या क्या कराया था। फिर भी कोई डाउट लगे तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं अलग से समझा दूंगा। तो ये 209196.5 आ रहा है, तो अपन 209197 लिख रहे हैं। ये हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा ये, 1,943,250, 1,734,000, 53 हमारे लिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। बेटा क्वेश्चन में एनआरआर भी नहीं है, तो अपने को एनआरआर भी निकालनी पड़ेगी। कैलकुलेशन ऑफ एनआरआर, एवरेज डिविडेंड दे रखा है क्वेश्चन में, और मार्केट प्राइस दे रखी है पर शेयर इंटू 100। एवरेज डिविडेंड क्वेश्चन में कहा गया 18वां, ये ना क्वेश्चन ये दे रखा है। डिविडेंड एवरेज बेटा 25 और मार्केट प्राइस है 250, तो एनआरआर बन जाएगी बेटा इससे आपकी। लिखाया था मैंने पढ़ाते वक्त 25/250 इंटू 100, तो ये बेटा 10%। तो 17340, 1,734,053 इंटू 10%, ये 1,734,05 आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट, और ये आ गया। तो अब हम लोग सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। स्टेप थर्ड, नॉर्मल प्रॉफिट एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एफएमपी आया 430768 माइनस 173405, तो बेटा 430768 माइनस 173405 ये आ जाएगा बेटा हमारे लिए 257363। गुडविल निकाल सकते हैं, एनुअल एनईटी मेथड है बेटा, सुपर प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपीस। देखो शायद यही मेथड था यार, कह रखा ना 3 वर्षों की वार्षिकी के आधार पर निकालना है। प्रेजेंट वैल्यू 1 रुपीज भी नहीं है बेटा अभी, तो निकालनी पड़ेगी। एक चीज और, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपीज, फॉर्मूला लिखाया था 1 माइनस 100 अपॉन 100 प्लस r की पावर n अपॉन r/100। रेट तो 10% है, नंबर ऑफ ईयर 3 साल के लिए कह रखा है, तो 1 माइनस 100 अपॉन 100 प्लस रेट 0.1 लग जाएगा ना, 10% का मतलब बेटा। नंबर ऑफ ईयर 3 ये कराए थे ना कुछ, 2-3 क्वेश्चन में और भी था, तो 10 ही रहने दो, 10 रहने देंगे, 10 रेट 100 वैसे प्लस कर रहे हैं एक्चुअली इसमें 10/100। ये सोल्व करोगे 1 माइनस ये हो गया 100/110 की पावर 3, ये हो गया 0.1, 10/100 तो
और सोल्व करोगे 1 माइनस 100 बटा 110, 0.90909 की पावर 3.1, ये और सोल्व करेंगे इसकी पावर 3 कर लो इनटू कर 0.75131 अपॉन 0.1, लेस करेंगे 1 में से बेटा 0.24868 अपॉन 0.1, तो 2.48685 हो रहा है, तो आप 9 लिख सकते हैं, 2.4869। तो सुपर प्रॉफिट आया और ये 2.4869 हमारे लिए हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करें 257363, तो बेटा ये 640024 हमारे लिए आ रहा है। ये आपका आंसर, थोड़ा सा आंसर अलग हो सकता है क्योंकि बहुत सारे जगह डेसिमल देना, ये 640010 आ रहा है, अपना 24 आ रहा है, वो बहुत सारी जगह डेसिमल राउंड ऑफ हुए ना बेटा, उसका थोड़ा सा इफेक्ट रह सकता है। ये आपका सबसे भारी भरकम क्वेश्चन बेटा गुडविल का। तो ये देखो, ये तो पहले आप वर्किंग नोट नोट करोगे डेप्रिशन वगैरह का, फिर ये करेंट ईयर प्रॉफिट अपन ने बेटा आफ्टर अकाउंटिंग एरर का बना दिया ये प्रॉपर, फिर ये आप लोगों का एफएमपी में तो कुछ खास है नहीं, फिर ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड प्रॉपरली लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा अगर नहीं लिखा हो, ये सब प्रॉपरली लेना, ये एनआरआर, फिर तो आपका ये बेटा सुपर प्रॉफिट और ये आपका गुडविल, और ये चैप्टर बेटा आपका पूरी तरीके से फिनिश होता है गुडविल। कल से आप लोग वैल्यूएशन ऑफ शेयर पढ़ेंगे, लेकिन बेटा क्लासेस आपकी एप्लीकेशन पर होगी, एप्लीकेशन का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें, और मैंने जो प्रोसेस बताया उसके बाद आप नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और आपका क्लास लिखकर मेरे को सेंड कर देना, तो मैं रजिस्टर्ड कर दूंगा। उसके बाद आपका ओटीपी जनरेट होगा, वो ओटीपी डालकर आपका एप्लीकेशन खुल जाएगा। इसी तरह की क्लासेज जैसा यूट्यूब पर मिल रहा है वैसे ही एप्लीकेशन पर आपको अवेलेबल। ओके बेटा, थैंक यू, कल से न्यू चैप्टर।